गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, 10+2 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है द्विजगत वर्गीकरण। देखिए, जो द्विजगत वर्गीकरण होता है उसे किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने इसे प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसे दो भागों में डिफाइन किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के आधार पर इन्हें डिफाइन किया। इसलिए इन्हें जंतु जगत का जनक कहते हैं, द फादर ऑफ एनिमल किंगडम। कैरोलस लिनियस को जंतु जगत का जनक कहा जाता है। अब देखिए, इन्होंने मतलब कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी को भी प्रस्तुत किया। टैक्सोनॉमी देखिए क्या होती है, टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम, यानी जो एनिमल किंगडम की जो स्टडी होती है वो टैक्सोनॉमी कहलाती है, यानी जो जंतु जगत की जो स्टडी करना, अध्ययन करना, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब देखिए, पांच जगत वर्गीकरण को व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने इसे पांच भागों में डिवाइड किया, प्लांट में किया, एनिमल में किया, प्रोटिस्टा में किया, मोनेरा में किया और फंजाई में किया। बात करते हैं एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम के आधार पर कैरोलस लिनियस ने इसे दो भागों में डिवाइड किया, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को देखो वर्टिब्रेट भी कहते हैं और नॉन इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा को, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी। और देखिए, अब देखिए कॉर्डेटा में देखिए जो बैकबोन होती है वो पाई जाती है और इनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है। और देखो, जो बैकबोन होती है वो टॉर्सल साइड पर पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। बैकबोन का मतलब होता है रीड रज्जू, पीछे की तरफ जो पाई जाती है बैकबोन। नोटोकॉर्ड होती है वो पाई जाती है मेरु रज्जू, इसमें नहीं पाई जाती है। हाइट होता है वो वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, इसमें जो हाइट होता है वो डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। अब इवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, यानी जो जंतु जगत का विकास किस तरीके से हुआ है, तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या आता है, इसमें आते हैं फिशेस। सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ फिशेस का, फिशेस के बाद हुआ एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स बाद हुआ बर्ड को एबीज भी कहा जाता है, इसके बाद हुआ मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए, फिशेस को हिंदी में कहते हैं मछली वर्ग, एम्फीबियंस को ओवेचर वर्ग, रेप्टाइल सरीसृप वर्ग, बर्ड एबीज मतलब पक्षी वर्ग और मैमल्स मतलब स्तनधारी वर्ग। इसमें देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लीजिए। फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं गिल्स, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। एम्फीबियंस में तीन पाए जाते हैं, गिल्स, लंग्स, स्किन, क्योंकि ये जल थल दोनों पर रहते हैं इसलिए इनमें उभय लगा हुआ है, उभयचर। जब ये जल में रहते हैं तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और जल इससे बाहर निकल आते हैं। जब कभी मेंढक जल से बाहर निकल आता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। उसकी बॉडी में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं तो वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। और देखिए रेप्टाइल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो लंग्स के थ्रू होती है, और बर्ड में भी देख लीजिए लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। स्तनधारी में हुमन आता है, लंग्स के थ्रू होती है, जाहिर सी बात है, लंग्स मतलब फेफड़े। इसे इस तरीके से लिखते हैं FARVM, एफ मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, स्तनधारी। आगे देखिए, इसमें चैम्बर की बात करते हैं। चैम्बर देखिए होता क्या है, हृदय में कक्ष पाई जाती हैं। तो देखिए, जो मछली होती है यानी जो फिशेस होती हैं, फिशेस वर्ग के जो भी मछलियां पाई जाती हैं उनमें दो कक्ष पाए जाते हैं, और जो एम्फीबियंस होती है उनमें कक्षों की संख्या तीन होती है, और रेप्टाइल्स होती हैं उसमें भी तीन होती है, और बर्ड्स होते हैं उनमें कितनी होती है, चार होती है, और मनुष्य में भी कितनी होती है, चार। तो सभी जो फिशेस हैं, सभी फिशेस में देखिए सार्क फिशेस को डॉग फिश भी कहते हैं। डॉग फिश को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है स्कॉल्यूडॉन, कुत्ता मछली या स्कॉल्यूडॉन। इसमें जो सूंघने क्षमता होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है। और तीसरे में मतलब जिनमें तीन कच्छ होते हैं उसके अंतर्गत आता है फ्रॉग, एम्फीबियंस के अंतर्गत आती है फ्रॉग, जो भी मेंढक होती है उसमें इसे रखा गया है। और रेप्टाइल्स भी देखिए, इसमें लिजर्ट यानी छिपकलियां, स्नेक मतलब सर्प और क्रोकोडाइल और मतलब टॉर्टोइस कछुए को रखा गया है। इसमें जो चैम्बर होते हैं वो तीन होते हैं। और बर्ड्स में देखिए ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ऑस्ट्रिच को रखा गया है। और जो सभी चिड़िया यानी होल बर्ड को रखा गया है इसमें एवीज में, इसमें चार चैम्बर होते हैं। अब देखिए मैमल्स में देख लीजिए, ह्यूमन हुआ, इसमें चार चैम्बर पाए जाते हैं, दो वेंट्रिकल और दो ओरिकल यानी दो आलिंद और दो निलय। ये एक्सेप्शन है फिशेस के, देखिए डॉल्फिन, वेल फिशेस, क्योंकि ये स्तनधारी है इसलिए इनमें चार चैम्बर पाए जाते हैं, और इन्हें मैमल्स में रखा गया है। और देखिए काऊ हुआ, हॉर्स हुआ, रेट हुआ, बैट हुआ, चमगादड़, और देखिए लॉयंस हुआ, टाइगर हुआ, इन्हें सभी मैमल्स में रखा गया है, इनमें चार चैम्बर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। आप लोग पेपर में इस तरीके से लिखें ताकि आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिले।
आई होप आप लोगों को वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे स्टडी करेंगे फाइलम के बारे में, प्रोटोजोआ हुआ, पॉरीफेरा हुआ, इनकी स्टडी करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।